आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है और सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं 24 चुनाव को लेकर भी। पर यहां पर जो आज चर्चा का विषय है वो है गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव, यानी उत्तर प्रदेश में छोटी काशी का उपचुनाव। उस चुनाव की बात कर रहे हैं जहां पर दिवंगत विधायक रहे अरविंद गिरी की बादशाहत रही, पहले हैदराबाद खीरी के नाम से मशहूर और बाद में 2009 में यह गोला गोकर्णनाथ के नाम से यह विधानसभा बनाई गई। और उसके बाद यहां पर अरविंद गिरी की बादशाहत रही। हालांकि 2012 में जरूर एक बार यहां पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे विनय तिवारी, उनको जीत हासिल हुई थी। पर इस बार जब हाल में आपने देखा सितंबर में अरविंद गिरी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया, तो उसके बाद ये सीट खाली चल रही थी। और हमारी संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से जब कोई सीट खाली हो जाती है तो उस पर उपचुनाव होते हैं, और इसी परिदृश्य में उपचुनाव हुआ। और आज उपचुनाव हुआ, 6 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। और अगर वोटिंग की बात करें 44.05 ये प्रतिशत वोटिंग रही गोला गोकर्णनाथ यानी छोटी काशी के उपचुनाव की। मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला दो अहम दलों के बीच था, एक सत्ता पे काबिज भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्ष या 111 विधायक के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी, यानी एक अमन गिरी जो कि अरविंद गिरी के पुत्र है और दूसरे विनय तिवारी जो कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी विधायक थे, एक ही बार जीते। मैटपुर चुनाव है और इस चुनाव में जिस तरह से वोटिंग हुई है वोटिंग के समीकरण अलग हैं। और अगर हम इस यहाँ के जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोट, दलित वोट और यादव वोट बहुतायत में है, ब्राह्मण वोट भी है। और ये माना जा रहा था कि जिनको दलित वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा, तो ये भी माना जा रहा था जिसको मुसलमान का जो वोट है वो मिल जाएगा तो वो भी जीत जाएगा। खैर, जीत किसकी होगी वो तो 6 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। पर ये जो चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, कोई छोटा छोटा चुनाव होता है वो भी बड़ी सरगर्मियां रखता है। सरगर्मियां कि बड़ी संख्या में स्टार प्रचारक जाते हैं, बड़ी संख्या में वो चुनाव चर्चा में रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है आबादी के हिसाब से पाकिस्तान से बड़ा ऐसा राज्य। सरगर्मियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरगर्मी, और सरगर्मी इस कदर है कि अगर यहाँ का मुद्दा होता है तो हैदराबाद के सांसद ओबीसी भी बयानवीर बनने से बाज नहीं आते। खैर, होता भी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र की कुर्सी को पाया जा सकता है। फिलहाल चर्चा में अभी और भी चर्चाएं होगी और इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी कि गुजरात चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। कुछ बयान सुनते हैं, फिर जबरदस्त को आगे बढ़ाते हैं। चेतावनी है, जो जरा भी बदमाशी करने का सोच रहे हैं बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। कुल 3 जोन हैं और 29 सेक्टर हैं, इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 ASP लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर एक बूथ को CAPF से कवर किया गया है। लगभग 60% बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है और यथा आवश्यक माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड जो बीजेपी है, एक उपचुनाव के लिए 40-30 मंत्री यहाँ पे उन्होंने उतार दिए, मुख्यमंत्री जी 2-2 बार आ रहे हैं, तो क्या बाकी प्रदेश के एजेंडे खत्म हो गए? उनकी तो सरकार है, वर्चस्व में है, वो पूरा एजेंडा पूरा मंत्रालय खाली रख के जब उनके मंत्री यहाँ घूम रहे हैं तो ये साफ दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं। दे आर स्कैड कि अब एक बदलाव आ रहा है, एक सीट से जो है लोग अपनी जो उनके अंदर की आग है उसको दिखाना चाहते हैं कि अब हम इस सीट को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया हमारे साथ अन्याय, भेदभाव और हमारे साथ जितने वादा खिलाफी होनी थी अब हो गई। इस सीट के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को भेजेंगे और देखिए अगर ये हमारे प्रत्याशी पूरी तरह से जीतेंगे। विनय तिवारी जी, मैटपुर चर्चा का विषय है और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दो। यहाँ पर नेता भाजपा से कैसे भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी भाई समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, दयाराम भार्गव भाई प्रवक्ता सुभाषपक रूप में अपना पक्ष रखेंगे, वेद प्रक्रिया मिश्रा अजालोड से अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा का विषय अहम है,
40-40 स्टार प्रचारक गए, संघर्ष हुआ और 44.05% मतदान। खैर परिणाम 6 नवंबर को आएंगे, पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव होता है, छोटा छोटा चुनाव होता है, सरगर्मियां जोरों पर रहती है और एक एक सीट पर अब हम देख रहे हैं संघर्ष होता है। संघर्ष यानी मजबूती के साथ दल लड़ते हैं, चाहे सत्ता पे काबिज भाजपा हो और चाहे विपक्ष हो। चुनाव को कैसे देखते हैं किसी भाई बताएंगे, किसी भाई कैसे देखते हैं चुनाव का और क्या लगता है कि यहाँ पर भी जो उम्मीद है वही कायम रहेगी या कुछ बदलाव के भी यहाँ पर चांस रहेंगे अन्य पार्टियों के लिए? जो गोला गोकर्णनाथ का जो ये उपचुनाव है जी, बिल्कुल देखिए सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में सीट थी जी, और आदरणीय अरविंद गिरी जी जो कि दिवंगत हो गए उसके बाद भी ये उपचुनाव हो रहा है जी। तो ऐसे में अमन गिरी जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया जी, और बीएसपी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा जी। तो देखिए अभी आपने एक जाति समीकरण की भी बात की अपने प्रोमो में आपने कि मुस्लिम दलित यादव ब्राह्मण किस नंबर पे कौन सी जात का बाहुल्य है ये भी आपने बताया जी। तो देखिए जहां तक आपने एक बात और कही कि दलित वर्ग का वोट जिसको मिल जाता है वो चुनाव जीत जाता है, दलित बाहुल्य क्षेत्र है जिस प्रकार से जी। तो आप जिन आंकड़ों की आपने बात की जो आपने तथ्य रखे अपने प्रोमो में जी, तो देखिए बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है जी, बिल्कुल। और इसका परिणाम पहले भी देखने को मिला है, अभी आप देखिए रामपुर सीट पे उपचुनाव था वहां पे बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा जी। और आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव था वहां पे बीएसपी ने प्रत्याशी उतारा जी। और आपने देखा कि बड़ी संख्या में वोट बीएसपी को वहां पर जो है आजमगढ़ में मिलते हैं जी। प्रत्याशी बीएसपी ने मुस्लिम उतारा था और साथ ही साथ उसको दलित वोट जिस प्रकार से मिले तो समाजवादी पार्टी वहां पे धराशायी हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो है रामपुर में क्या हुआ कि जो भी दलित वर्ग का वोट था वो भारतीय जनता पार्टियों को ट्रांसफर हुआ जी, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था जी। और दूसरी बात क्या है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है जी, और काम के आधार पे जनता ने एक बार फिर से 30-35 वर्षों के बाद अगर किसी पार्टी को रिपीट किया है और इतना बड़ा बहुमत दिया है तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में आई और आज उसकी सरकार है जी। तो जनता ये देखती है कि किस पार्टी ने काम किया, अगर काम किया है 5 वर्षों तक तो एक बार फिर से मौका दिया कि नहीं आप 5 वर्ष तक अगले और भी काम करते रहिए जिससे कि देश प्रदेश का विकास हो सके और जनता के बीच में खुशहाली आ सके जी। तो यहाँ पे जो उपचुनाव है उपचुनाव को अगर समीकरण की दृष्टि से देखा जाए चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के काम के आधार पर देखा जाए और यहाँ पे तो जीत 100% तय है। और आप देखिए कि दिन भर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और वहाँ के जो प्रभारी है उनकी तरफ से जिस प्रकार से आरोप लगे कि यहाँ पे जो है ईवीएम मशीन खराब है और पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी को जो लोग हैं उनको मना कर दिया जा रहा है वोट डालने से, जबकि ऐसा कहीं पे कुछ नहीं था। जहाँ पे भी शिकायत उन्होंने की वहां पे पुलिस बल भी पूरा मौजूद था और चुनाव आयोग से शिकायत की, चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पे पहुंचे भी और कोई शिकायत तथ्यों के आधार पे कोई भी सही नहीं उतरी। लेकिन एक भूमिका समाजवादी पार्टी ने पहले से बना रखी है कि अगर यहाँ पे सीट वो हारते हैं तो क्या बताएंगे, तो बताने के लिए उनके पास यही है कि ये मशीन हैक हो गई। अच्छा। जब वो जीत जाते हैं तो ये मशीन हैक नहीं होती है। अच्छा। और जब हार जाते हैं तो वही ये मशीन हैक हो जाती है। इसके पहले हम भी चुनाव हारे, लोकसभा का चुनाव गोरखपुर का, हम लोकसभा का चुनाव हारे उपचुनाव, तो लेकिन हमने नहीं कहा ये मशीन हैक हो गई। अच्छा। तो कुल मिलाकर तभी हमारे पास केंद्र में सरकार थी। अच्छा। तो ये तो समाजवादी पार्टी पहले से भूमिका बना रही है, दिन भर उनके जिस प्रकार से बयान आए हम लोग टीवी चैनलों पे देखते रहे, जिस प्रकार से यहाँ तक कि चुनाव आयोग पे भी ये लोग तोहमत भर देते हैं कि नहीं चुनाव आयोग तो इनकी मदद कर रहा है। अरे कम से कम ना तो ये चुनाव आयोग को छोड़ते हैं ना न्यायालय को छोड़ते हैं, तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था पे तो विश्वास करिए, भरोसा करिए। अच्छा। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाए तो सारी संस्थाएं ठीक,
और कहीं अगर चुनाव हार जाए तो सारी संस्थाएं गड़बड़ कर रही है, मशीन हैक हो गई, सब कुछ हो गई। और आप देखिएगा 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही जो भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आपके साथ, हम लोगों के साथ, जिस भी टीवी चैनल पे बैठेंगे, तो उनका पहले सबसे यही आरोप होगा कि अरे हमारे तो लिस्ट में से नाम काट दिए गए, हमको वोट नहीं डालने दिया गया। और बचा कुचा ये होगा कि ये मशीन खराब थी, वहां 4 घंटे खराब रही, वहां 5 घंटे खराब रही, वहां तो दिन भर कोई वोट ही नहीं पड़ पाया। और जो वोट पड़े, जो वोट पड़े भी वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी, आपका कहना भारतीय जनता पार्टी जीत गई। यानी आप समाजवादी पार्टी का 6 नवंबर को आने वाला बयान बता रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो आज आज जिस प्रकार के उठ के बयान आए ना, तो ये इन्होंने भूमिका पहले से बना ली है, यही सारी बातें। आपको लग रहा है वो हारने वाले हैं? आपको लग रहा है वो हारने वाले हैं? 100% वहां पे उपचुनाव जो है, पहली बात तो जनता के अंदर एक संवेदना भी है, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय गिरी जी का जहाँ पे चुकी हार्ट अटैक से जिस प्रकार से उनका देहांत हुआ और उन टिकट मिला है उसके बाद में अमन गिरी को, और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। आप देखिए, अगर हम रामपुर का और आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं तो ये चुनाव तो बहुत छोटी सी बात है, और यहाँ पे माहौल भी हमारे पक्ष में और हम काम भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो जब जो उनका गढ़ था आजमगढ़ और रामपुर, वो तो बचा नहीं पाया, आगे क्या बचा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक चीज जान लीजिए, 6 तारीख को सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बैटिंग करेगा अगर समाजवादी पार्टी, तो बैटिंग ये करेंगे सीधे सीधे चुनाव आयोग पे, पुलिस तंत्र पे, वोटिंग लिस्ट पे, ईवीएम मशीन पे। ठीक है भास्कर जी, जो बयान ले रहे थे भैया, आप तो पहले बता दिए क्या बोलने वाले हैं। भास्कर जी आज क्या बोलेंगे? 6 नवंबर की बात तो किसे बता रहे हैं कि 6 नवंबर को जो सपा प्रवक्ता यही बयान देंगे कि मशीन हैक हो गई है, ये समस्या हो गई है, बताइए आज क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव में पूरे देश और प्रदेश ने वहां पर देखा है कि जिस प्रकार एक जाति विशेष लोगों को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया। अच्छा, ये मेरा कथन नहीं है, पूरा देश और प्रदेश इस बात को देख रहा है। अच्छा। कि किस जाति विशेष के लोगों को वहां पर जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया। अच्छा। क्या ये यही लोकतंत्र है? क्या यही शासन प्रशासन है? मैं इसके अलावा पूछना चाहता हूँ इनके चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप देखिए वहां पर कि स्थिति क्या है। आज वहां पर जो हमारे जो कैंडिडेट है विनय तिवारी जी, उनको गुंडा एक्ट के तहत इन्होंने चुनाव में नोटिस दिया। हाँ, उस पर दबाव बना सरकार, लोगों का दबाव बना सरकार पे, और फिर वो चुनाव वो वापिस लिया गया। तो निश्चित तौर पे किस तरह की व्यवस्था प्रदेश और देश चल रहा है ये पूरा जानता है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पे इनकी नफरत के खिलाफ और जो सौहार्द इन्होंने खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश का, उस सौहार्द को बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और आप जब परिणाम आएगा 6 तारीख को, तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। तो किसी में क्यों बोल रहा है कि 6 नवंबर को आप लोग ऐसा बयान देने वाले हैं, ये हैक हो गई है और ये हो गई है? मैं आज इनको क्या समझ नहीं आ रहा है ऐसे? मैं लगातार मैं इतना देख पा रहा हूँ समाजवाद, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आजकल, और क्योंकि विभिन्न डिबेटों में मुझे रहने का मौका मिलता है आपके आशीर्वाद से, तो वहां पर मैं देख पाता हूँ कि आजकल इन्होंने एक नया काम और ले लिया इनके सारे प्रवक्ता, ये ज्योतिष भी बन गए। अच्छा, ये ज्योतिष भाई, ये भविष्य हो गए आप लोग भाई, इसका भविष्य तय कर देता है। गौरव जी, बिल्कुल भविष्य गौरव जी, देखिए पता नहीं, देखिए आदरणीय भास्कर जी, देश की प्रदेश की जो महान जनता है वही केवल भविष्य निर्माता है, और निश्चित तौर पर वहां की जनता यादव लोगों को छुट्टी पे भेज दिया गया। अच्छा। अरे शिवपाल यादव जी किस जाति के हैं? अपर्णा यादव जी किस जाति की हैं? और हमारे इसके पहले इसी लखनऊ के ही जो हमारे जिला अध्यक्ष थे वो किस जाति के थे? तो देखिए, और क्या आजमगढ़ में जाति लोगों ने अपनी बदल दी क्या, जो भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया? और रामपुर में क्या जाति और धर्म लोगों ने बदल दिया क्या, जो भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया? देखिए, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म किसी पार्टी का बंधुआ ना मजदूर है ना गुलाम है। जो पार्टी काम करेगी जिसके लिए, उस पार्टी के तरफ वो उन लोगों का रुझान होगा, जाहिर सी बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मोटो लेकर के आगे बढ़ रही है। और आप देखिए, अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्य
संविधान दिया गया तो क्या उसमें हमारे यादव भाई नहीं है कि मुस्लिम भाई नहीं है? 5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में आवास दिया गया, क्या उसमें हमारे यादव भाई नहीं है कि मुस्लिम भाई नहीं है? तो जात और धर्म की बात करके तोड़ने की बात कौन कर रहा है? ये भड़काऊ बात कौन कर रहा है? भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है कि नहीं जात विशेष के लोगों को छुट्टी पे भेज दिया गया? अरे जात विशेष की यादव तो अपर्णा यादव जी भी है, शिवपाल जी भी है, उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ दी? और आपके कितने यादव लोगों ने पार्टी छोड़ दी समाजवादी पार्टी को, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में? अच्छा। तो आपका न तो मुस्लिम रहा है न यादव रहा है। अच्छा। और रामपुर में जिस समय आप कैमरा घुमा रहे थे, मैंने आपके पूरे टीवी चैनलों को उस समय देखा था, और आप भी वहां पर गए थे जिस समय आपने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि तमाम सारी जगहों पे मुस्लिम लोगों ने मिट्टी करके कहा कि नहीं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर सांसद हमारे वहां का भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगा तो यहां विकास डेवलपमेंट नहीं होगा, और इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रामपुर से भी जिताया। और किसने वोट दिया? वही मुस्लिम और यादव वर्ग ने वोट दिया। तो छुट्टी करने की क्या जरूरत है अधिकारियों की? छुट्टी करने की आवश्यकता है? वो तो आज हमारे पक्ष में माहौल बना रहे, हमारे लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बिना जाति बिना धर्म के आधार पर सबके लिए काम कर रही है, और देश और प्रदेश को अगर आगे ले जाना है तो इसी पार्टी को चुनना होगा, इसलिए लोग चुन रहे हैं ना। ठीक है ठीक ठीक है। सकेत भाई हमारे साथ बेपकार मिश्रा जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, चुनाव तो यहाँ हो गया, 44.05% वोटिंग रही, और अब 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। हम देख रहे हैं कि चुनाव कोई भी होता, छोटे छोटे चुनाव होता, तब भी इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर भाजपा लड़ती है, और साथ में विपक्ष भी लड़ता है बहुत मजबूती के साथ। प्रचारक जाते हैं, सभी लोग इसमें अपनी जान झोंक देते हैं चुनाव जीतने के लिए। एक सीट महत्वपूर्ण है और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र की ऐसी खूबसूरती है कि प्रत्येक सीट को उतना ही महत्व मिले जितना कोई अन्य सीट। आपके चुनाव को देखते हैं और क्या लगता है कि यहाँ बदलाव होगा या पुरानी परंपरा के तहत यहाँ पर अरविंद गिरी के परिवार पर ही सीट जाएगी? देखिए गौरव जी, जी ये लोकतंत्र का तकाजा है कि हमारे यहाँ आए दिन चुनाव होते हैं जी, और पक्ष और विपक्ष दोनों लोग जी अपना अपना एजेंडा लेकर के जनता के बीच में पहुंचते हैं जी। जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है जी, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है जी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है जी, लेकिन मर्यादा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, अच्छा सौहार्द बना रहे जी। लोकतंत्र में जी हम पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े होकर के मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं जी। लेकिन जहां तक गोला का सवाल है जी, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं जी, हमारा साझा प्रत्याशी वहां चुनाव मैदान में जी। तो आज अगर हम ये कह दें जी कि हम चुनाव जीत रहे हैं जी, या हमारे जो भाई केसी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही चुनाव आएगा, परिणाम आएगा जी, तो क्या आप ये समझते हैं कि हम लोग ये नहीं कहेंगे जी कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएगा जी? निश्चित रूप से वहां की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा। हाँ, एक बात ये जरूर है जी कि उनके साथ संवेदनाएं हैं, हम लोगों की भी संवेदनाएं हैं जी। उनका दुखद निधन हुआ जी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे जी, हमारे भी उनके निजी संबंध थे जी। राजनीतिक आधार पर हम लोग भले ही अलग अलग दलों में जी अपना काम करते हों जी, लेकिन गिरी जी से मेरी निकटता रही जी। तो परिणाम 6 तारीख को आएगा जी, तब उस विषय पर चर्चा करेंगे जी। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम काम कर रहे हैं जी, इस पर भी हम कुछ बात अपनी रख ले। जल्दी बोले भाई, सवाल हमारा भी आपसे रहेगा जी। काम कर रहे हैं, अच्छी बात है जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं दिखता। अच्छा। लगातार इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनका खुलासा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना आई है कि सीतापुर में नरहरा धान खरीद केंद्र पर न तो अभी तक वहां केंद्र स्थापित हुआ, न वहां पर कोई अधिकारी कर्मचारी गया खरीद करने, और 950 क्विंटल धान की खरीद हो गई जिसको वहां के जिला प्रशासन ने पकड़ा। अब एडीएम कह रहे हैं, जिलाधिकारी कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी तब कार्रवाई होगी, जबकि माननीय वहां की सांसद महोदया ने इसकी शिकायत की और उस पर जांच हुई जी। तो क्या अधिकारी इतने निरंकुश हैं कि सरकार के इतने
सख्ती के बावजूद भी भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं या सरकार पूर्ण रूप से विफल है? सर जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, आपने कहा यह बदलाव होगा, अभी मार्च में तो परिणाम आए हैं, 22 में अरविंद गिरी जीते हैं, छह आठ महीने पहले, 8 महीने में ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर बदलाव जनता कर देगी? देखिए, बदलाव का आधार क्या बताएगा, वो आधार बताइए। हाँ, देखिए, जनता बदलाव जब करती है जी, तो यह आवश्यक नहीं होता है कि 8 माह पूर्व चुनाव हुए थे या 3 माह पूर्व चुनाव हुए जी। जनता जब बदलाव चाहती है जी, तो बदलाव 1 माह भी बाद अगर चुनाव कराया जाए तो बदलाव हो जाएगा जी। हम लोगों का जो मूल्यांकन है जी, जो वहां के लोगों के बीच में गए हैं, जो मुद्दे हैं जी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अच्छा, किसानों का उत्पीड़न जी, इन सब मुद्दों के आधार पर जी, हम लोगों को ये वहां पे अनुभूत होती है कि वहां की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता सुभाष पा दयाराम भाई जुड़े हुए हैं। दयाराम भाई, चुनाव तो हो गया, आपका प्रत्याशी तो वहां उतरा नहीं था, खैर वो चर्चा का विषय नहीं है, पर सुनने में सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश जी बताए हैं कि निकाय चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे, मेहनत से लड़ेंगे। आपकी सावधान यात्रा ही पूर्ण हो गई, लखनऊ शुरू हुई थी और पटना में खत्म हुई है, आगे क्या रणनीति है? किसी के साथ जाएंगे या अकेला चलोगे की नीति पे चलेंगे? नहीं, देखिए गौरव भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। अच्छा, और अभी सपा से जा सकते हैं क्या? यात्रा करते हुए सपा से जा सकते हैं क्या? सपा एक साथ हो सकते हैं, भाजपा और पीडीपी एक साथ हो सकते हैं, सरकार चला सकते हैं जी, बिल्कुल चला सकते हैं। और बिहार में जो है आप देख लीजिए, नीतीश और लालू के साथ तो सर कहने का मतलब मैंने आपको ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया भाई, समझ गया, बात आ गई, केसी भाई मुस्कुरा रहे, बात आ गई है जी, ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बोलने दो, समय दो, जी बोले बोले बोले। आप बात आती है उत्तर प्रदेश के चुनाव का जी, सावधान यात्रा 75 दिनों से होकर के 27 अक्टूबर के गांधी मैदान पटना में विशाल जनसभा को आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने वहां पे संबोधन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे जो मोन में जी, गांव गरीब किसान मजदूरों की हक आवाज से लड़ने का जो काम होता है, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर करते हैं। अच्छा, देश और प्रदेश में बिरले नेता है पिछड़ी जात के, अच्छा, जो वंचित समाज की आवाज उठाते हो, अच्छा, अगर वो सदन में पहुंच गए तो केवल अपने परिवार के, अपने और पार्टी के लोगों की आवाज उठाते हैं जी, लेकिन वंचित समाज की आवाज, उनके हक और हुकूम की बातें करने के लिए सदन में किसी के मुंह में जवाब नहीं होता, ताला लगता है। गौर भाई, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है जी, तमाम तरह की है, नौकरियों का अकाल है जी, और तमाम ऐसी चीज, जीएसटी लगा हुआ है जी, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर प्रवक्ता आता है जी, वो केवल अपनी पार्टी के मुद्दे ही लाता है। स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं आता हूँ, जब भी आपके पास आया हूँ, आपके चैनल पे बैठा हूँ, तो मैंने जनता की बात करी है। हमारे मुखिया कहते हैं जब से जागो जब से जगा दो, अच्छा, जब से सवेरा है, अच्छा, तो हम लोग गांव गरीब किसान मजदूरों के मुद्दों को जगाने का काम करते हैं। हम बिहार क्यों गए वो भी आपको बता देते हैं। बिहार में नीतीश बाबू जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बिहार में मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जो है जातिवार जनगणना बिहार में कराएंगे, लेकिन उस पे ताला रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, अब अपने वादे पे नीतीश कुमार जी को दोबारा लालू जी के पार्टी के साथ आप आए हैं, तो आपको वो वादा याद होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले 10-12-15 साल से आप वहाँ पे मुख्यमंत्री लगातार हैं, चाहे वो भाजपा के साथ जाए, चाहे लालू जी की पार्टी के साथ जाए, लेकिन आप मुख्यमंत्री बरकरार बने रहते हैं। जब पटना के गांधी मैदान में मैं स्वयं वहां मौजूद था, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला कि यहाँ के एक मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि उनका नाम तो पलटू राम है। अच्छा, अब समझ लीजिए, जनता ने जो जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा, आप वीडियो बुजुर्ग देख सकते हैं, अच्छा, वहां जो जनता हुजूम थी वो इस तरह की बातें करी, वहां पे एक ही मांग थी कि जातिवार जनगणना होना चाहिए। आप बताइए गौरव भाई, हमारे देश में जानवरों की गिनती है, पेड़ पौधों की गिनती है, तमाम तरह की गिनती है, और 1947 से पहले 1931 में जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था, तब जातिवार जनगणना हुआ था, तब से लेकर के आज तक
हमारे 2011 में जनगणना हुआ, मैं तो जो सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी से उनसे भी चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया बैठे हैं, उपप्रवक्ता बैठे हैं, उनसे भी चाहूंगा, आरएलडी के मेरे भाई बैठे हैं, उनसे भी चाहूंगा। अच्छा। आखिर भाई आप बताएं, आप लोग सत्ता के मुहाने पर सत्ता में चार बार रहे जी। लेकिन आप चार बार जनगणना से आप लोग क्यों भागते हैं? अच्छा। बार बार सरकार कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम कहते हैं कि जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है उसको भागीदारी दिया जाए। अच्छा। लेकिन गौर भाई, ये तब संभव है जब जातिवार सरकार गणना कराए, सप्तकम ऐसे निकल कर आए 1947 से लेकर 2022 में 75 साल में हम आ गए, तो किस जाति के कितनी जनसंख्या है? ठीक है, बस वो हम समझ गए। ये बताइए जी, वो समझ गए, आपकी बात समझ गए, आपके पुराने एजेंडे हम पता है, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमको ये बताइए कि चुनाव जो निकाय चुनाव है इसमें क्या रणनीति बनाई है, किसी के साथ जाएंगे कि अकेला चलो नीति पर चलेंगे, हम इतना जानना चाहते हैं। अब एक बार बोलिएगा कि कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये तो बार-बार पता है, बोलिए। नहीं देखिए, हमने आपको बताया ना, फिलहाल 2022 का जो निकाय चुनाव है, स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी 2017 में भी अकेले अपने दम पे लड़ी थी, तब हमारे 12 जो है क्या नाम है नगर पंचायत अध्यक्ष आए थे जी, और 76 या 77 हमारे जो है पार्षद और क्या नाम है सभासद बने थे जी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 77 जिलों में जो हमने जो जनता में संदेश दिया है, जागो तभी से मेरा है, उसके हक अधिकार को उठाने के लिए सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हमने सावधान करने का काम किया। चाहे वो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठे हमारे भाई समाजवादी पार्टी के हो, बताए हमारे समाजवादी भाई जो मुलाकात होती रहती, उस मुलाकात क्या होता है? अभी अभी ओम प्रकाश जी ब्रजेश पाठक से मुलाकात करने गए थे, इन मुलाकातों को क्या कहेंगे भाई हम? देखिए मैं नहीं, आप बताइए सरकार में कौन है, सरकार में कौन है? वो लखनऊ के सदन में अगर विधानसभा में आए हैं, जिस क्षेत्र विधायक, अगर उस क्षेत्र की जनता का कोई समस्या है तो क्या विपक्ष वाले काम करेंगे? सदन में बैठे हुए अगर हमारे प्रतिनिधि है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों से ही तो बात। अरे हम तो ये बता रहे हैं, समाधान इन्हीं मुलाकातों से जो है सभा पार्टी से आपकी तलखी बढ़ गई और बाद में हटा दिए गए। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का पिछला रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये कांग्रेस के साथ गए थे चुनाव के बाद अलग हो गए, बसपा के साथ गए चुनाव अलग हो गए, और हमसे ही क्यों बात करते हैं? अच्छा। अरे भाई और भी तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, महान दल तो अलग चला गया। अच्छा। और छोटे छोटे दल तो सब अलग क्यों चले गए? कुल मिला के ये तो समाजवाद जी। नहीं, अब मैं बताऊं आपको जी, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है जी, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की पार्टी थी ना गौरव भाई, अब वो पार्टी नहीं है। अच्छा। मुलायम सिंह जो थे वो छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात को सुनते थे और बैठ के निवारण करते थे। अच्छा। समाजवादी पार्टी के मुखिया उनके पार्टी के मुखिया है, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी बात आ गई। आमिर भाई, भाई यहाँ पर तो तमाम समीकरण है, अब जीतता कौन है? वेद प्रकाश भाई का कहना है कि जनता बदलाव कर रही, केसी भाई तो जुटेसाचार हो गए, जैसे जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बता रहा है कि भाजपा वाले जुटेसाचार हो गए बता दे रहे हैं, और केसी भाई तो ये भी बोल दिए है कि 6 तारीख को स्टेटमेंट क्या आने वाला है सपा प्रवक्ताओं का। ठीक है, आप कैसे देखते चुनाव को? बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। जी, अभी रिजल्ट नहीं आ गया है, अभी काउंटिंग होना बाकी है। चलिए, मतदान हुआ है जी, अभी मतगणना नहीं हुई है जी, बड़ा सवाल ये है जी। तो अभी से ये कह देना कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं लगता मुझे। दूसरी बात, जहाँ तक उपचुनाव की रही जी, तो गौरव जी बहुत ही कम ऐसा होता है कि उपचुनाव विपक्ष का कोई कैंडिडेट या प्रत्याशी जीत जाए, तो बात ही खत्म हो गई। उपचुनाव आमतौर से देखा, प्राय देखा गया है, जब भी जब चुनाव उपचुनाव हुआ है तो सत्ता का ही होता है। और रहा सवाल हमारे केसी जैन भाई कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता के काम के ऊपर वोट, तो अगर काम के ऊपर अगर वोट मिल रहा होता तो मैं नहीं समझता हूँ 33-40 मंत्री जाते या दो दो बार मुख्यमंत्री जाते। रहा सवाल अरविंद गिरी जी का जी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आकस्मिक निधन के बाद तो सहानुभूति बतौर उनके पुत्र को वोट मिलना भी चाहिए जी, मैं इसका विरोधी कतई नहीं हूँ, जाहिर सी बात है मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि मिला भी है जी। बाकी रहा समाजवादी पार्टी का, तो अब वहाँ पर तीसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई प्रत्याशी ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अब इन दो में ही संघर्ष हुआ है और इन दो में से ही किसी को जीत मिलेगी तो किसी को हार मिलेगी। लेकिन उपचुनाव पे बहुत निर्भर करना या बहुत बड़ा दांव खेलना या बहुत बड़ी बड़ी लफादी करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत
ठीक बात हो सकती है, इसलिए कि उपचुनाव आम तौर से ही और होते ही पार्टी सत्ता पक्ष के विपक्ष कभी नहीं जीतती, और अभी एक आध बार जीती भी है तो हो सकता है, जैसे अभी एक लांछन लगता है, इल्जाम लगता रहता है कि मशीनों के हेरफेर का, तो हो सकता है कि सत्ता में है तो एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ना है, हो सकता है जितवा दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो सहानुभूति का वोट भी अरविंद गिरी के बेटे को मिलेगा और मिला है, तो बहुत बड़ा इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा गौरव जी। और नगर निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है, देखिए उसमें तमाम वो लोग जो प्रत्येक पार्टी होते भी हैं और विरोध करके आ जाते हैं और आफ्टर चुनाव फिर वो साथ आ जाते हैं, तो कोई इस पर बहुत महत्व कोई देता नहीं है, लेकिन चूंकि विधायकी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे सरकार एक वोट से सरकार बनती भी है, एक वोट से गिरती भी है, लेकिन जहां पूर्ण बहुमत की सरकार हो तो वहां एक सदस्य से कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूं कि उपचुनाव आमतौर से ही होता है। बात भ्रष्टाचार की जहां तक रही तो आप ये समझ लीजिए, अभी मोरबी का ब्रिज गिरा है, आज ही एक खबर अखबारों में छपी है कि उसको खाली जो बनाने के लिए पैसा दिया गया था उसने खाली रंगाई पुताई कर दी, तो अब रंगाई पुताई खाली कर दी, ठेकेदार कोई भी ठेकेदार हो, चाहे मेरे उत्तर प्रदेश का हो या गुजरात प्रदेश का हो या कहीं का हो, किसी की इतनी हैसियत नहीं है जब तक उनको संरक्षण नहीं होगा अधिकारियों का या नेताओं का कि वो पूरा भ्रष्टाचार करे इसका, और भ्रष्टाचार की रकम कोई ठेकेदार की हैसियत नहीं है कि वो पूरी पूरी घोट जाए, भ्रष्टाचार रकम जहां अधिकारियों में जाती है वहां एक बड़ी खेप नेताओं में जाती है, ये आप कक्षा 5 के बच्चा भी अच्छी तरह जानता है, इसका मतलब ये गुजरात मॉडल जो पेश किया गया था देश के अंदर, तो गुजरात मॉडल मोरबी ब्रिज से बहुत कुछ सामने आ गया है गौरव जी, और इस बात से एक उपात चुनाव भी 8 को नतीजे भी आने गुजरात, हाँ गुजरात के अभी घोषणा हुई तो चुनाव अभी गुजरात का हुआ तो ही नहीं, बहरहाल कुल मिलाकर के वहाँ पर मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव पिछला हुआ था और बहुत कड़ा संघर्ष हुआ था, इस बार समाज क्या नाम आम आदमी पार्टी भी कूद गई है, अब अगर आम आदमी पार्टी अगर जीतती है जैसा कि चर्चाएं चल रही है तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ रहेगा, मुझे कहने में कोई हिचक इसलिए भी नहीं है कि दिल्ली में कांग्रेस की वर्षा भरत की सरकार थी और आम आदमी पार्टी के को मिल गई सत्ता, इसी तरह पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, तो अब जाहिर सी बात है कि जो इल्जामात भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं बराबर, और हर छोटी बड़ी पार्टियां लगा रही मशीनों को लेकर के, तो उससे भी कहीं ना कहीं इनको अपना दामन तो झाड़ नहीं है, दामन तो पाक कर रही है, तो मुमकिन है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का चुनाव, आपका कहना है कि हमारी पार्टी खुद जितवा देंगे, हाँ बिल्कुल बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता, तो हम फिर हमारी पार्टी और भाजपा प्रवक्ता एक आदमी बैठा लिया करें अगर आपके हिसाब से ऐसा रहे तो, मतलब नहीं आप मेरा कहना है अगर डिबेट में ऐसा आप बोलते हैं जी तो एबी टीम करके बैठा लिया करा, तो आप देखिए कहाँ कहाँ अक्सर बेहतर आप देखिए वॉक ओवर देते नहीं देते निकलने के लिए, जैसे चुनाव में देते हैं वैसे डिबेटों में दे देते हैं कि आप कहीं कहीं पर, इसलिए भी उनको हावी होना पड़ता है कि दिखा दे कि हमारी लड़ाई है, नहीं नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी और से लड़ाई होती है प्रवक्ताओं की, तो वो कहीं कहीं पर ये भी दिखाना पड़ता है, वरना तो फिर खुला खेल फरकाबाजी हो जाएगा कि सब कुछ सामने आ जाएगा, जनता समझ जाएगी, तो जनता को तो भ्रमित करना है ना, गुजरात में आप कह रहे हैं कि उनको जिता रही है, नहीं अभी नहीं, मैंने नहीं कहा जिता रही, अगर जीत जाती है वैसे ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ पिछला चुनाव लड़ी थी और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो भाजपा अच्छी तरह जानती है कि जरा भी अगर हम लूज करेंगे तो हम चले जाएंगे, जो दिल्ली में जो हमलावर हो रही है दूसरे पे पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहा है, दो दो मंत्रियों पे शिकंजा कसा गया है, अब बात तो निकले, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी गौरव जी। कुल मिलाकर के ये नूरा कुश्ती भी होती है कभी कभी भाई, हमें वॉकओवर भी देना पड़ता है, ये राजनीतिक स्टंट भी होते हैं और ये राजनीति में सब कुछ संभव है, संभव कुछ नहीं है, जैसे हमारे सुभाषपा प्रवक्ता जी कह रहे थे, हालांकि इनको ये कहना इनको ये बोलना चाहिए था कि जिस तरीके से उनके नेता मिल रहे हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी लेकर रामगोपाल यादव अखिलेश यादव तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मिले हैं और नेताओं से मिले हैं, तो इसमें ये तो क्या शिष्टाचार है कि राजनीति में कोई दोस्त तो दुश्मन नहीं होता, हाँ वही कह रहा, परमानेंट कोई दोस्त नहीं है, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं है, ये तो आज से नहीं युगों से चला आ रहा है, जहां पर फायदा होता है राजनीतिक पार्टियों का तो तुरंत एक दूसरे गले लग जाते हैं, अभी आप बिहार को देख लीजिए, नीतीश जी कितना खफा रहते थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं मर सकता हूँ भाजपा में जाऊंगा, और जैसे ही लालू से थोड़ा खफागिरी हुई वो भारतीय जनता पार्टी तुरंत हाथ मिला लिया, अब फिर देख लिए उन्होंने लालू से हाथ मिला लिया, भाजपा से किनारा कची कर ली, तो कहीं ना कहीं वो पलटू राम कह लीजिए या सुशासन कुल मिलाकर आपको लगता है बदलाव नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि देखिए एक चीज और भी है, देखिए बहुत साफ सी बात है कि सहानुभूति जो वोट मिलना चाहिए वो क्या अमन नाम है शायद लड़ने वाले का, अमन गिरी, अमन गिरी तो अरविंद जी के बेटे को ही मिला है अधिकांश, लेकिन
मुझे नहीं लगता है कि वो हारेगा चुनाव, और मुझे मैं भी चाहता हूं कि वो ही चुनाव जीते, इसलिए कि सत्ता पक्ष का कैंडिडेट है और उसके अभी अभी आकस्मिक निधन हुआ है, बहुत दुखद बात है। मैं चाहता हूं कि वो खुद जीते, मैं एज ए मुस्लिम बीगे मुस्लिम भी ये बात कर रहा हूं कि उसको जीतना चाहिए, मेरी सहानुभूति उसी के साथ। यानी मुस्लिम वोट गया है वहां पर, हो सकता है, मैं तो चूंकि गया नहीं, ईमानदारी बात ये है, मैं क्यों कह दूं। भुवन भास्कर भाई बताएंगे, भुवन जी यहाँ पर तो एज ए मुस्लिम भी बता दिया है और एज ए पत्रकार भी बताया उन्होंने कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि समय पार्टी कोई चमत्कार यहाँ पर कर पाएगी। जी आप बताइए। देखिए अब तो जो मत है वो अब सीधा मतपेटियों में है। जी बिल्कुल, ये केवल पूर्वानुमान हो सकता है। जी। हो सकता है मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे ज्योतिष हो, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, मैं तो सिंपली एक प्रोफेसर हूँ और प्रवक्ता हूँ पार्टी का। जी। तो मैं निश्चित तौर पर उन बातों को कहना चाहूंगा जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूती है। आप देखिए एक तो वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है, 44.05, ये कोई बहुत बड़ा वोट परसेंटेज भी आप नहीं पा रहे होंगे, इससे भी स्थिति पता चलती है सरकार की, और सरकार की स्थिति बताने को बहुत काफी है कि दो बार वहां पर मुख्यमंत्री और कम से कम 25-30 जो कैबिनेट मंत्री थे वहां पर डेरा डाले रहे, ये बताने को काफी है कि सरकार की जमीनी हकीकत क्या है, ये बताने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि 15-20-25 मंत्री जब वहां पर लगे रहे पूरे चुनाव में प्रभावित करने के लिए, शासन प्रशासन लगा रहता है, तो निश्चित तौर पर इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनकी जमीन जो है खिसक चुकी है। निश्चित तौर पर हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, और जिस तरह की चुनाव में एक तरह से अप्रत्यक्ष में आप ये देखो किस तरह लोगों को प्रभावित कर रहे हैं आप प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो आपने मैंने आपको विषय बताया था कि एक जाति विशेष के कर्मचारी को छुट्टी पे भेजने का, वो हमारे कैंडिडेट को जवाब तो नहीं है, लगातार आप देखेंगे जवाब दिए भाई, तो आप कैसे जवाब दिए थे, किसको छुट्टी दे रही भाई, आप बताइए जवाब कैसे दिए थे। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो पूरे देश और प्रदेश के चैनलों दिखाया, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये मेरा बयान थोड़ी है, तो पूरे देश और प्रदेश देख पा रहा है वहां पर। अच्छा। ये तो पूरे देश और प्रदेश ने देखा है टीवी चैनलों पे कि आप और दूसरा हमारे जो कैंडिडेट है वहां पर आपने देखा होगा कि उनको आपने गुंडे अटके तहत नोटिस दिया, अगर आपने नोटिस दिया तो फिर वो दबाव में वापस क्यों लिया, इसका मतलब आप दबाव बनाना चाहते हैं, हमारे जो बूथ के लोग हैं उनको पुलिस धमकाने का काम कर रही है। अच्छा। निश्चित तौर पे ये तानाशाही है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम हम आदरणीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। बोल जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने कहा कि वहां पर दोनों मुख्यमंत्री गए और वहां पर 25 नेता डेरा डाले रहे, तो अगर किसी चुनाव को मजबूती से लड़ा जाता है हर जगह, भाई लोकतंत्र कहीं का पर्व है और चुनाव, और वहाँ पर अगर कोई पार्टी मजबूती लड़ती है तो सबके लिए यहाँ पर स्वतंत्रता है, सब लोग जा सकते हैं, सब लोग डेरा डालें, सब लोग मेहनत करें, परिणाम भले जो कुछ आए, तो मेरे ख्याल यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ने वाली कोई बात होती है क्या आपको मुताबिक? देखिए हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग जो विश्लेषण करते हैं या उसका जो अध्ययन कर पाते हैं हम लोग, तो उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर पे सरकार वहां पर डरी हुई है, उनको पता है कि अच्छा। जमीन की सच की आप देख अब बात आ गई, वहां पर माहौल क्या है, बात आ गई। आप मैं एक मिनट, एक बस एक शब्द, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या प्रदेश और देश ने ये नहीं देखा, इनका स्वास्थ्य मंत्री, इनका पीडब्ल्यूडी के मंत्री, इनके आदरणीय मंत्री दिनेश खटेक जी दिल्ली डेरा डाल के, क्या कारण था, अधिकारी उनके सुन नहीं पा रहे, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, निश्चित तौर पे एक पूरा वातावरण वहां पर जो फुटओवर का बना हुआ है। अच्छा। ये प्रदेश और देश पा रहा है, निश्चित तौर पे ये सारे चिंतन के विषय है, प्रदेश और देश देख पा रहा है कि देश और प्रदेश को किस दिशा की ओर भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है, ये भी एक वहां पर एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ठीक है ठीक है, किसी भाई बात निकल गया, आप लोग डरे हुए हैं इसलिए आपने पूरी टीम लगा दी है, पूरी हमारे 2 दर्जन मंत्री बाहर चले गए, दोनों डिप्टी सीएम चले गए, बड़ा संघर्ष रहा, डरे हुए आप लोग, इसलिए ऐसा किया आपने मजबूती के लिए। जी जी जी, जी बताइए जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है जी कि समाजवादी पार्टी जी जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। और जाति विशेष धर्म विशेष के लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझती है। अच्छा। और उसको लगता है कि आपने जो एक बात कही कि MY फैक्टर को लेकर के कि वहां मुस्लिम वोटर ज्यादा है, दलित वोटर ज्यादा है, या जो है यादव वोटर ज्यादा है जी। तो MY फैक्टर कुछ नहीं बचा है जी। और MY फैक्टर हो गया है अब मोदी योगी फैक्टर जी, मुस्लिम यादव फैक्टर नहीं बचा है अब MY फैक्टर हो गया है मोदी योगी फैक्टर। तो MY फैक्टर अब दूसरे तरीके से पूरे देश में काम कर रहा है,
और अभी जो समाजवादी पार्टी के साथी ने एक तोहमत लगाई, एक आरोप लगाया कि ये डरे हुए इसलिए इनके मंत्री वहां पे गए प्रचार करने जी। तो देखिए आपकी निडरता आपको मुबारक हो जी। और आपकी निडरता के कारण ही आप रामपुर और आजमगढ़ हार गए जी। आप बिल्कुल निडर थे जी। आप लोगों को वोटर्स को बनवा मजदूर समझते थे जी। कि एक बार जिताया दो बार जिताया तो जीवन भर के लिए वो आपको जिताते रहेंगे। बोला जा रहा जोशी जी। और आजमगढ़ और रामपुर में सुन लीजिए बस जी। 10 सेकंड जी बोले। रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। अच्छा श्री अखिलेश यादव जी निडर थे। और उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद क्या हुआ जी? कि माननीय शिवपाल यादव जी ने और आदरणीय राजभर जी ने सलाह दी जी कि आपको ऐसी कब्रों से बाहर निकलना चाहिए और कम से कम प्रचार करने तो जाने चाहिए था जी, जी बिल्कुल। और शायद आप प्रचार करने जाते जी। तो चुनाव शायद हम दोनों सीटें जीत जाते क्योंकि दोनों सीटें लंबे समय से समाजवादी पार्टी के पास रही है जी, बिल्कुल। वो भी लोकसभा की सीटें जी, बिल्कुल। लोकसभा में ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास वैसे भी नहीं है जी। और ऐसे में दो सीटें आपने और गंवा दी जी, बिल्कुल। तो जब जिन दो पार्टियों को साथ में लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी विधानसभा का राजभर जी को और शिवपाल जी को उसके बाद में उरी दोनों से कहा नहीं आप बाहर जा सकते। अच्छा। आप हमको सलामत दीजिए। अच्छा। आपके लिए रास्ता खुला हुआ है जी। हमें चुनाव प्रचार करना है नहीं करना है जी। तो वही पार्टी आज ये कह रही है कि मतलब खुद तो प्रचार करना रही है। अच्छा। और अगर दूसरी पार्टी जी। अपनी ताकत के साथ पूरी ताकत के साथ कोई चुनाव लड़ती है जी। तो ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी घर में बैठ के ऐसी कमरों में बैठना शुरू कर दे। अच्छा। ना तो जनता के दुख दुर्ग जाने जी। और ना तो चुनाव प्रचार में ही मंत्री मिनिस्टर जाएं, वो भी ऐसी कमरों में श्री अखिलेश यादव जी की तरीके से बैठे रहे जी। और इन्हीं की पार्टी के जो साथ के लोग थे उनको इन्होंने इसी बात पे नाराज होकर के बाहर का रास्ता दिखा दिया जी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमने तो पन्ना प्रमुख बनाया और पन्ना प्रमुख कौन बना? मंत्री विधायक सांसद, यानी कि आप प्रभारी छोड़िए विधानसभा प्रभारी छोड़िए, दूसरी पार्टियों में तो ये है कि प्रदेश प्रभारी से अगर छोटा पद है तो वो अपनी उसमें बेइज्जती समझते हैं, अपमान समझते हैं और कहते हैं नहीं नहीं अब तो यहाँ चुनाव हार जाएगी पार्टी, उन्हीं के लोग उन्हीं को चुनाव हराने में लग जाते हैं, कह रहे आपने तो हमको विधानसभा प्रभारी बना दिया, मैं तो प्रदेश प्रभारी बनने के लायक हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुरूर और घमंड नहीं है, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा मंत्री, यहाँ तक कि कई मुख्यमंत्री प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के एक एक पन्ने के पन्ना प्रमुख बने जिसमें 25, 30, 40 वोटरों के नाम है जी। और उनके मोबाइल नंबर लेकर के उनसे बात की, वार्ता की कि आपकी कोई समस्या है, कोई उसका निराकरण करना है, कोई दिक्कत है। तो जब एक एक वोटर से हम मिलेंगे, उससे बात करेंगे, वार्ता करेंगे, उसकी समस्याओं को जानेंगे, उसका निराकरण करेंगे, इसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्शन। और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, उसी का परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई। तो कुल मिलाकर के आप प्रचार ना तो कर रहे हैं, ना ये चाहते दूसरी पार्टी करे प्रचार। ठीक है। और जहां तक सुहेल दो पार्टी की बात है, अभी जिससे आप वार्ता कर रहे थे कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, क्या करेंगे आप, तो ये तो पूर्ण रूप से कंफ्यूज दिखे। अच्छा। ये कह रहे हैं यहाँ पे गठबंधन हो गया, पीडीपी का गठबंधन हो गया और बिहार में गठबंधन हो गया, और ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो अलग लड़ेंगे चुनाव और कोई पार्टी जो है वो जो पिछड़े हैं, सबसे पिछड़े हैं, उनकी बात नहीं उठा रही है, तो हम किसी के साथ गठबंधन करके क्या करेंगे। और ये भी कहते हैं गठबंधन से कोई इनकार नहीं है, जब ये और ये मिल सकते हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते। आपने पूछा समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, उस पर भी बात को टाल दिया कि नहीं यहाँ जा भी सकते, उसमें कौन सी खास बात है। तो जो पार्टी कंफ्यूज ही है वो पार्टी चुनाव क्या लड़ेगी, क्या आगे बढ़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कहा आप डरे हुए हैं, अगर हम डरे हुए तो गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट कैसे लग गया, हम डरे हुए फिर आपको ये आरोप लगाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ रही है कि ये मशीन खराब हो रही है, हमको वोट नहीं डालने दिया, मतलब हम ही डरे हुए हैं और हम ही आपको वोट नहीं डालने दे रहे। ठीक है, दो बातें कैसे हो सकती है केसी भाई? पर ये बार बार क्यों ये कहते हैं आप लोग एसी कपड़ों से बाहर निकली, ये कोई तकिया कलाम हो गया क्या? जो बात होती है वही आदमी बोलता है भाई, ये भाई गलत है। गौरव जी, हम नहीं कह रहे जी, ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे जी,
हम लोग तो ऐसी खबरों से बाहर भी निकलते हैं, हमारे मंत्री मिनिस्टर नेता और जनता के बीच में जाते भी है, लेकिन हमारे मंत्री मिनिस्टर नेता भी अगर जनता के बीच में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप अखिलेश यादव जी को फॉलो करिए, आदरणीय अखिलेश यादव, जैसे वो नहीं निकलते ऐसी खबरों से वैसे आप भी मत निकलिए। और अगर उनको कोई सलाह दे देता है आपके गठबंधन का साथी तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जैसे राजभर जी को शिवपाल जी को दिखाया। ठीक है भास्कर जी, जोशी जी कुछ बोलना चाह रहे हो? जोशी जी बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हो, बताइए। गौरव जी मुझे भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता साथी की दो बातों का जवाब देना चाहते हैं। पहले तो मैंने मेरा आशा यहाँ पर ये था कि इनके कैबिनेट मंत्री वहां पर प्रचार करें, ये इनकी पार्टी का विषय है, लेकिन वो अपनी जो भारी सुरक्षा लेकर वहां पर जो मतदान को जो प्रभावित करने की कोशिश करी, ये प्रदेश और देश के लिए चिंता का विषय है। और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, एक ही वाली बात पे मैं आपको जवाब बताना चाहता हूँ। जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर और विधानसभा में अपने अपनी यात्रा करते हैं और अपनी पदयात्रा निकालते हैं, और तो निश्चित तौर पे पसीने एसी में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को आते हैं। अच्छा। निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, धर्म भाई अपनी बात पूरी कर, विपक्ष भाई को लेता हूँ। धर्म भाई बोले, आप कम्युनिस्ट पार्टी है, बोले कम्युनिस्ट पार्टी है, सारे डिबेट में आप देखेंगे जी, बोलिए जी जी जी। पूरा डिबेट खत्म होने जा रहा है, लेकिन फिर मैं वही मुद्दा उठाना चाहूंगा जी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे 68,500 की बात हो, चाहे 12,360 की बात हो, शिक्षक भर्ती घोटाले में आज भी जिन बच्चों ने परीक्षा दे करके उनको हटा दिया गया, उसकी चर्चा हमारे साथी सत्ता पक्ष वाले विपक्ष वाले दोनों नहीं कर रहे। हम बार बार इस मुद्दे को कह रहे हैं, आखिर उन बच्चों की क्या, उस पर खूब चर्चा हो चुकी है भाई, पार्टी बोल रहा है, कंफ्यूज पार्टी है, पता ही नहीं कहा जाना है आपको, बोल रहा है बीजेपी प्रवक्ता कि आप कंफ्यूज पार्टी, आपको पता ही नहीं कहा जाना है, ये बोल रहा है बीजेपी वाले, बोल रहे हैं मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, बीजेपी को पता है जी कहा जाना है, बीजेपी जी पार्टी है जो इनके साथ ना गया हो उससे पूछ लो। अच्छा। सारी समस्या का जो है बीजेपी के साथ होता है, बीजेपी कभी भी इस बात को नहीं उठाना चाहती कि दूसरे लोगों के दलों का क्या है, अभी बीजेपी जो कह रही है ना। अच्छा। समाजवादी के साथ गए तो समाजवादी को, ये तो जो हमारे प्रवक्ता आके बह जाते हैं टीवी डिबेट पे, ये इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर है। अच्छा। ये तो कुछ भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन जो धरातल पे है, अगर हम चुनाव लड़ेंगे जी तो लड़ेंगे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, क्या हो गया किसी भाई, क्या हो गया जी, हमने बार बार इस बात को कहा है जी। और हमारे केसी जैन जी जो बात कर रहे हैं ना, मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं। अच्छा। हमको हम तो मुद्दे पे, क्या भारतीय जनता पार्टी के ग्राम सभी लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं भाई, कम से कम आप मुद्दे अपनी पार्टी के सरोकर के चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश से देख लो, दो लोगों के गठबंधन किया है जी, आप गठबंधन करे तो बढ़िया बात, अगर हम गठबंधन करे तो आपके पेट में दर्द ऐसा नहीं होना चाहिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष में मजबूत में बैठी है और समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को नहीं छूना चाहती, क्यों, आखिर क्या कमी है, आपकी सरकार चार बार रही तब भी आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, आप विपक्ष में बैठे तब भी ध्यान नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आइए ना, सदन में आकर के लड़ाई लड़िए, ठीक है, हर हक अधिकार की लड़ाई, चलिए कोई नहीं, सी सत्र आने वाला है, हम भी लड़ाई देखेंगे, हम भी यही है, विधानसभा लखनऊ में ही है, हम भी लड़ाई देखेंगे, सी सत्र आने वाला है, बहुत जल्दी संघर्ष देखेंगे। बीर भाई जी, भाई यहाँ पर केसी भाई बोल रहे हैं कि हम लोग काम करते हैं, इसी काम के आधार पर भाई जनता चुनती है हम लोगों को, उसमें कौन सी बात है कि आज कोई सहानुभूति कोई बताए या कुछ और भी बताए, वो प्रचार करने जा रहे हैं, सपा वाले बोल रहे हैं जोशी भाई हमारे कि जो डरे हुए हैं इसलिए प्रचार करने जा रहे हैं, और उनका आशा ये भी है कि आप इस तरह मत बोलिए भाई, हर आदमी अपना प्रचार करना जानता है और निश्चित रूप से ये स्वतंत्रता है, और साथ ही साथ यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो परिणाम बेहतर भी आएंगे। एक चीज आप देख लीजिए महत्वपूर्ण जी, 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं जी, ये इनकी उपलब्धि है, उपलब्धि तो है भाई, खराब क्या है, क्या इनकी उपलब्धि है। अच्छा।
लोग सरकार के राशन पर जिंदा हैं। अच्छा। और ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। जी। अग्निवीर बनाने की जब सेना में भर्ती की बात आई तो कहा साहब 4 साल के लिए हम आपको भर्ती कर रहे हैं। अच्छा। भ्रष्टाचार का बोलबाला है चारों तरफ। अच्छा। महंगाई चरम पर है, आप अच्छा। भी इस बात का अनुभव करते होंगे कि महंगाई किस स्तर पे पहुंच गई। जी। अरे यही सारे मुद्दे लेकर के आप 2022 में गए। जी। 5 राज्यों के चुनाव थे। जी। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम क्या है? जी। आप जब बोल रहे थे 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम क्या है? मैं जब बोल रहा आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। जनता को वोटों पर बताइए, जनता क्या करती है ना? भ्रष्टाचार में संलिप्त बैठ करके जब भ्रष्टाचार की बात आएगी तब तो आपको बुरा लगेगा ही लगेगा, स्वाभाविक बात है। मैं तो पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अच्छा। चाहे वो मोरबी में पुल गिरने का मामला हो, चाहे किसानों की धान खरीद का मामला हो, चाहे किसानों के गन्ना भुगतान का मामला हो, चाहे नौजवानों की भर्ती का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे गड्ढे भरने की बात हो, हर जगह आपकी सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अच्छा। आप इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा। कि आप भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे हैं या बराबर के हिस्सेदार हैं? अच्छा। आप इस बात को क्यों नहीं बताते? आप ये कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, भैया कौन सा काम कर रहे हो जरा एक उपलब्धि बताओ। जो ट्रामा सेंटर पहले के बने थे वहाँ तो डॉक्टर नहीं है, आपके 170 डॉक्टर आज इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाया। और आपके मंत्री को ये नहीं पता चल पाया कि कहाँ पर ट्रांसफर हुआ, माननीय मंत्री ये नहीं जान पाए। और आप बता रहे हो कि भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहे हैं, आप कौन से भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहे हो? पूर्ण रूप से आपके मंत्री बैठे हुए अपने ऑफिस में ये नहीं जान पाए कि किसका ट्रांसफर हुआ। पूछा गया तो पता चला कि उनको पता ही नहीं है ट्रांसफर हो गया। एक एक डॉक्टर का 4-4 जगह ट्रांसफर हो गया। खाद्य रसद विभाग में ट्रांसफर हुए थे वो लोग आज तक ज्वाइन करने नहीं गए। आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है, डिफरेंस यही है, यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताइए? जनता पार्टी की सरकार में जी। अन्य सरकारों में यही डिफरेंस है। अच्छा। कि पहले भ्रष्टाचार होता था उसको छुपाया जाता था। अच्छा। ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी उसमें मंत्रियों की भागीदारी होती थी इसलिए पता नहीं चलता था। आज क्या अगर अधिकारी कोई गड़बड़ कर रहा है ना, करके गए अधिकारी को जबरन वीआरएस दिया जा रहा है उनको पता नहीं चला। आखिर वो दोनों मंत्री चर्चा करने बैठे थे वो चुप क्यों हो गए? 6 तारीख को जब प्रोग्राम आएगा तो सब बोलने झांकेंगे। पूरी है मंत्री पद पर बने रहने की। 6 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा ना, चुनाव के परिणाम की नहीं आज भ्रष्टाचार की बात करिए ना। आप कहां चुनाव में चले गए? भ्रष्टाचार आप पहले भ्रष्टाचार में जवाब दीजिए। गड्ढों में क्या हुआ? सड़क आपकी पार्टी के जो विधायक है वो आयस करने के लिए बैठे हैं। आप हमारे भ्रष्टाचार हमारे विधायक ने आपसे पूछा कि क्या किसानों को देने की जो बात आपने कही थी सदन में क्यों नहीं पूछते हैं? आपके पास योजना है, आपके सरकार ने कहा कि मेरे पास उसकी योजना नहीं है, ये तो हम ही ने खुलासा किया है। हम ही तो आपको बेनकाब कर रहे हैं प्रदेश में। अच्छा। और आपको बेनकाब कौन कर रहा है? अच्छा। आप बताइए किसानों का जो शोषण हो रहे हैं 22 तारीख को हमने जो एसी कमरों में बैठे बैठे उसका जवाब बेनकाब हो रहे हैं, बेनकाब कर नहीं रहे। जी। कोई बेनकाब नहीं देखा आपका कारनामा, काम नहीं किया कारनामा, किया कारनामा हो रही है और उसी कारनामे का परिणाम है संलिप्त अधिकारी आप 2-2 बार 10 साल के लिए बाहर हो गए सत्ता से, इसलिए इस ये कारनामा जो किया है ना सिर्फ धार्मिकता के आधार पर जनता ने इसलिए अपने नाम पर आप केवल सरकार चलाने का और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? है, कोई मिशन केवल नहीं आपकी है, पार्टी समझदार है का पूरा प्रदेश में केवल आपकी पार्टी की गिनती के लोग समझदार है। मोदी जी ने अभी उस दिन पूछा पत्र लिख करके कि साहब आप अपने विधायक का क्या करोगे? आपकी पार्टी के गिनती के लोग केवल समझदार है, हो गया हो गया, बाकी जनता बेवकूफ है। जनता गुमराह होकर के वोट देती है? आप ये बात समझ लीजिए, जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। काम करते हैं तो हम भी 24 घंटे जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं, जनता को बेवकूफ समझिए। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। 8 विधायकों का आने का मतलब ये नहीं है कि हम जनता की सेवा में नहीं है। ठीक है, मेरे पास जनादेश नहीं है, हम सरकार में नहीं है,
तो क्या सरकार में होने के नाते आप विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे? आपको उत्तर देना होगा। किसका उत्तर देते हैं आप? किसी बात का उत्तर नहीं देते ना, तो आपकी सरकार उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जब डिबेट में बैठते हैं तो आपके बाद अहंकार रहते हैं। पांच साल का रिपोर्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सौंप दिया जनता को, जनता ने उस पर मोहर लगाई। पांच साल के लिए फिर सरकार है, बात कर रहे हैं तो आप हंस रहे हैं। और आपका काम केवल जाति और धर्म की राजनीति करना है। आपको मतगणना जनगणना करानी है, जनगणना करानी है जाति और धर्म की। कंफ्यूज पार्टी, कंफ्यूज पार्टी है आप, कंफ्यूज पार्टी है। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी ये निर्णय, कभी वो निर्णय, कभी जाति शुद्ध। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। जाति और धर्म से बाहर नहीं निकल सकते। जाति और धर्म के आधार पर काम करने वाली पार्टी कभी देश का विकास नहीं कर सकती है। हमारा समाजवादी केवल जाति और धर्म करने वाली पार्टी केवल सरकार नहीं चला रहे, केवल अपना बटवारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आमिर भाई बात ले रहा है भाई, हो गया, हो गया। कल सत्ता से आप बाहर हो जाएंगे, कहां हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दयाराम भाई जल्दी पूरी करिए, आमिर भाई की बात लेता हूँ। जल्दी बोलिए दयाराम भाई, जल्दी बोलिए। मुझे समय दिया जाए, कोई ना बोल ले, बहुत अच्छा। जल्दी बात, जल्दी बोलिए। एक कहावत है, एक कहावत है, वादा तेरा वादा, वादा में मैं तो मारा गया। क्या बात, भारतीय जनता पार्टी की जीती जाग की एक सबूत दे रहा हूँ आपको। अच्छा, जनपद गाजियाबाद का विधानसभा जो है साहिबाबाद है जी। साहिबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सुनील शर्मा, और गाजियाबाद से सांसद है बीके सिंह। 2014 में माननीय राजनाथ सिंह आए थे, तो उसमें एक थोड़ा कॉलोनी है जो नगर पालिका हुआ 2015 में। 2017 में उसका चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है और 34 सभासदों में से 28 सभासद भारतीय जनता पार्टी के है। घोड़ा कॉलोनी में जो है गौरव भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भूजल जो है, जल जो है 500 फुट नीचे चला गया है। बोरिंग करा करके लोग कर्जा लेकर के बोरिंग करा रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्वत में राजनाथ सिंह थे, तभी घोड़ा के लोगों ने ये कहा था कि हमें जल गंगा जल वाटर चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा था हम करवा देंगे। उसके बाद जनरल बीके सिंह 2019 में आए, और उसके बाद 2014 में आए, 2009 में क्या नाम है राजनाथ सिंह। लेकिन आज तक घोड़ा कॉलोनी में जल का जो समस्या है भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। ठीक है, मैं बार बार आपके जल की समस्या कौन पैदा कर रहा है? जल की समस्या पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में हो रही है। पूरी करिए, लेकिन बात करेंगे जल के लिए, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। जी बोले, ये बोले, देखा गया है जी, हो गया, हो गया, धर्म भाई हो गया, तमाम धर्म भाई हो गया, धर्म भाई हो गया, धर्म भाई हो गया, हो गया। जब जब बात आती है मुद्दा की, जिम्मेदारी केवल अपने समय पर, समय का पता हो गया, हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं। हो गया, हो गया, धर्म भाई, धर्म भाई हो गया, समय हो गया, हो गया, हो गया, धर्म भाई, धर्म भाई हो गया, ठीक है, हो गया, अमर भाई पर पूरी करिए, वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। गौरव जी, एक चीज बड़ा साफ बात यह है की आमतौर से सेकुलर दल कहा करते हैं की 3367 जी 33% वोट चलाया था बीजेपी जी, जाती 67% वोट बढ़ जाता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, हालांकि मैं कह चुका हूं पहले, फिर कह दूंगा, मैं सहानुभूति अमन गिरी के ही साथ है, लेकिन बावजूद इसके कि अगर 33% वोट और 67% वोट एक तरफ, और जबकि सच्चाई है 67% वोट में भी मात्र एक कैंडिडेट लड़ रहा था जी, और उसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार जाता है तो फिर सेकुलर दलों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इसलिए कि 33% वाला जीत के 67% वाला हार रहा है। क्योंकि अक्सर कर सेकुलर दलों को मैंने देखा है ये कहते हुए आफ्टर चुनाव, चुनाव बाद, कि वो 67% वोट एक तरफ गया लेकिन वो बढ़ गया और 33% में प्रचंड बहुमत में आ गई। तो आप 33% और 67% का ही वहां पर कॉन्टेस्ट था, संघर्ष था, और उसमें भी अगर 33% वाला जीतता है तो फिर गौरव भाई मैं तो साफ
बात ये कह दूं कि 67% वालों को आप हत्या कर लेनी चाहिए, इसलिए मात्र एक प्रत्याशी लड़ रहा था विपक्ष का, और वो भी अगर हारता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि 67% वोट समाजवादी पार्टी के साथ है और 33% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है आज की तारीख में जो उपचुनाव हुआ है वहां पर, जिसकी मतदान बहुत सही मिलकर। तो यहाँ पर चर्चा थी और चर्चा महत्वपूर्ण थी, और चर्चा थी गोला गोकर्णनाथ यानी छोटी काशी के उपचुनाव पर। फैसला 6 नवंबर को आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि परंपरा बनी रही या फिर कुछ बदलाव हुआ है। फिलहाल एक बात तो स्पष्ट है कि बदलाव होते हैं, परंपरा भी बनी रहती है, पर कहीं ना कहीं मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है तो ही परिणाम बदलते हैं, पर मेहनत भी देखने वाली बात होती है कि वो मेहनत ट्विटर की है, वो मेहनत सोशल मीडिया की है, या मेहनत बयानबाजी की है, या फिर वो मेहनत धरातल की है। और जब मेहनत धरातल की होती है तभी परिणाम बदलते हैं, नहीं तो परंपरा चलती रहती है जो अब तक हम चलते देखते आ रहे हैं। तो आज की चर्चा में इतनी ही, मुझे निरुति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।